तो अब मैं पहुंच गया हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट और यहाँ से बाय रोड जाऊँगा कलिम्पोंग। बागडोगरा से कलिम्पोंग की दूरी करीब 75 किलोमीटर है और इसमें करीब 3 घंटे का टाइम लगता है। कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में करीब 4000 फीट की हाइट पर बना एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इस वक्त मैं हूँ कलिम्पोंग में होटल पाइन ट्री में अपने रूम में और ये रूम काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रूम है और रूम के बाहर एक बालकनी है। बालकनी से जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर एक बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल है और यहाँ से नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ से पहाड़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था, यहाँ से इन पहाड़ियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं पहाड़ियाँ है और बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ये कंचनजंगा की पहाड़ियाँ है। कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी और गैंगटॉक के पास बना एक बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। कलिम्पोंग यहाँ की स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस है और यहाँ की कई सारी स्कूल्स ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। इस वक्त मैं हूँ कलिम्पोंग की कैक्टस नर्सरी में, जहाँ पर कई अलग अलग तरह के कैक्टस को रखा जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है। इस वक्त मैं हूँ जानदोक पालरी में, जो कि कलिम्पोंग में एक टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ये यहाँ की सबसे पुरानी टिबेटियन मोनेस्ट्रीज में से एक है और इसे लावा मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। 1976 में दलाई लामा यहाँ पर आए थे और उनकी इस विजिट के कारण इसे बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र मोनेस्ट्रीज में स्थान मिला। कलिम्पोंग में कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है और इन सभी मोनेस्ट्रीज में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ धर्म और आध्यात्मिकता का ज्ञान भी दिया जाता है। शहर की भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर आप यहाँ पर काफी शांति और सुकून महसूस कर सकते हैं। यह है यहाँ का आर्मी गोल्फ क्लब। साफ मौसम में यहाँ से माउंट कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त है मार्च से लेके मई के बीच गर्मियों के मौसम में, और अगर आप बर्फ की वादियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर से लेके जनवरी तक का वक्त सही रहेगा। तो मैं आ गया हूँ कलिम्पोंग की शॉपिंग मार्केट में। कलिम्पोंग वैसे एक बहुत ही छोटा सा सिटी है और यहाँ की मार्केट भी बहुत ही छोटी सी है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और थोड़े बहुत शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। यहाँ के रोड बहुत ही छोटे छोटे हैं और ये मार्केट भी बहुत ही कंजेस्टेड है। अब हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे ऊंचे डेलो व्यू पॉइंट पर। तो इस वक्त मैं वो अपने दोस्तों के साथ और हम सब जा रहे हैं डेलो व्यू पॉइंट। डेलो व्यू पॉइंट करीब 5,500 फीट की हाइट पर बना यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कलिम्पोंग के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। ये कलिम्पोंग शहर से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर है। इस वक्त मौसम थोड़ा खराब है, हर तरफ कोहरा है, इसलिए यहाँ पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है। साफ मौसम में यहाँ से कलिम्पोंग का 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है और साथ साथ वेस्ट सिक्किम का कुछ हिस्सा भी दिखाई देता है। सच में ये जगह, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता।
पर क्या करें, अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब वक्त है यहाँ से आगे बढ़कर गैंगटॉक जाने का।